फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लेक्सिबल बजट का वो सम जिसने बहुत सारे बच्चों को परेशान किया था। मतलब VNSU की जब एग्ज़ाम ली गई थी, एट दैट टाइम पेपर में ये सम बहुत सारे बच्चों को, काफ़ी सारे बच्चों को ये बहुत ही टफ लगा था। तो आज हम उसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना कि कोई भी जो सम है वो उतना भी टफ नहीं होता है कि कोई सॉल्व ना कर पाए। सिंपल सी बात है, ये इतना टफ नहीं था, लेकिन ये लॉजिकल था। अगर आप थोड़ा सा ही लॉजिक लगाते तो आप आराम से इसको क्रैक कर सकते थे। लेकिन तकलीफ कहाँ पे होती कि भाई ड्यूरिंग द ईयर बच्चे जो भी है वो प्रिपरेशन करते नहीं हैं, तो उसकी वजह से उनको प्रैक्टिस में प्रॉब्लम होती है और लास्ट में फाइनल एग्जाम में वो बेट नहीं कर पाते। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दी मार्च अप्रैल 2019 सॉल्यूशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट सम। जो फ्लेक्सिबल बजट का सम पूछा गया था उसके सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं। सेकेंड नंबर का जो सम था, महावीर लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पर्टिकुलर्स में हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड डेटा दिया हुआ है फॉर प्रोडक्ट ए एंड फॉर प्रोडक्ट बी। दो प्रोडक्ट यहाँ पे वो प्रोड्यूस कर रही है। सेलिंग प्राइस रहेगा पर यूनिट हमारा 30 रुपीज़ ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 40 रुपीज़ फॉर प्रोडक्ट बी। डायरेक्ट मटेरियल की बात करें तो एक्स मटेरियल और वाई मटेरियल, दो मटेरियल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जो एक्स मटेरियल है वो ए के अंदर 2 यूनिट यूज़ हो रहा है एट ₹3 पर यूनिट, मतलब ₹3 का एक यूनिट है। तो 2 यूनिट को खर्च करने के लिए, 2 यूनिट को स्पेंड करने के लिए हमें ₹6 स्पेंड करना पड़ेगा। और एक्स जो भी है ₹3 वाला यूनिट, वो 4 यूनिट आपके बी में यूटिलाइज हो रहा है, मतलब 3 × 4 मतलब ₹12 का आपका प्रोडक्ट बी में यूज़ हो रहा है एक यूनिट के अंदर। वाई की अगर बात करें तो ₹1 पर यूनिट है, जिसमें 1 यूनिट इन प्रोडक्ट ए और 2 यूनिट्स इन प्रोडक्ट बी आपका जाएगा। तो उसका कैलकुलेशन इजीली हो सकता है कि 1 × 1 एंड 1 × 2 सिंपल है। तो पर यूनिट आपको उसकी कॉस्ट मिल जाएगी और इसको आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ जितना आप यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हो। फाइन, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट मटेरियल की अगर बात करें तो एक्स ₹3 पर यूनिट, 2 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स, वाई एट ₹1 पर यूनिट, 1 यूनिट एंड 2 यूनिट्स। इसमें भी आपको सिंपल वही करना है। डायरेक्ट मटेरियल में 3 × 2 एंड 3 × 4, यहाँ पे 1 × 1 एंड 1 × 2 करना है तो आपको मटेरियल मिल जाएगा। वैसे डायरेक्ट लेबर की अगर बात करें तो 2 डिपार्टमेंट दिए हैं, डिपार्टमेंट पी एंड डिपार्टमेंट क्यू। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं, इन प्रोडक्ट ए 2 आवर्स एट ₹1 पर आवर, मतलब आपका 1 घंटे का ₹1 के हिसाब से 2 घंटे आपके यूज़ होते हैं प्रोडक्ट ए के अंदर, तो ₹2 उसका लेबर चार्ज बनता है। वाइल इन प्रोडक्ट बी 1 आवर फॉर एट ₹2 पर आवर, मतलब 1 घंटे का वहाँ पे ₹2 आप पे कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे 1 घंटा यूज़ हो रहा है डिपार्टमेंट पी का और उसके ₹2 के हिसाब से हमें पेमेंट करनी होगी। वाइल ऑफ डिपार्टमेंट क्यू की बात करें तो 1 आवर एट ₹3 पर आवर एंड 1 आवर एट ₹3 पर आवर, मतलब दोनों में सेम ही है, 1 आवर एंड ₹3 पर आवर आपका रेट रहेगा। ना उसके बाद हमें दिया है ओवरहेड्स 65.2% फिक्स। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं ₹100 का टोटल खर्चा करता हूँ ओवरहेड्स का, तो उसमें 65.2 रुपीज़ मेरा फिक्स है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ₹100 में से 100% में से अगर मैं 65.2% को माइनस कर देता हूँ तो वेरिएबल कितना बचेगा, 34.8% यहाँ पे वेरिएबल बचेगा। और वो हमें ऐसा दिया हुआ है एट ₹2.50 पर आवर, पर आवर हमें दिया हुआ है, मतलब 1 घंटे का ₹2.50 आपका ओवरहेड का खर्चा लगता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम प्रोडक्ट ए के अंदर टोटल कितने आवर्स यूज़ कर रहे हैं? तो सर, पी डिपार्टमेंट के हम 2 घंटे यूज़ कर रहे हैं और क्यू डिपार्टमेंट का हम 1 घंटा यूज़ कर रहे हैं, मतलब टोटल हो गए हमारे 3 घंटे। 1 घंटे का ₹2.50, तो 3 घंटे का कितना होगा? तो सर 7.5 रुपीज़ होता है। अब सर ये 7.5 रुपीज़ तो मेरा टोटल ओवरहेड्स आया, उसमें 65.2% हमारा फिक्स है, तो उसको हम अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो कितना बचेगा, 2.61 जो हमारे लिए बचेगा वेरिएबल ओवरहेड्स। तो इसका नीचे मैंने कैलकुलेशन भी दिया है, हम सॉल्यूशन में उसको देखेंगे। वैसे ही हमें यहाँ पे देखना है कि सर यहाँ पे तो हम 2 घंटे यूज़ करेंगे तो 2.5 करेंगे तो 2.5 × 2 मतलब ₹5 आपका टोटल ओवरहेड्स होता है, उसमें 65.2% अगर आपका फिक्स है तो 1.74 आपका रुपीस जो है वो वेरिएबल आएगा, मतलब 34.8% के मुताबिक आपका आएगा 1.74 रुपीज़। नाउ नॉर्मल कैपेसिटी 100%। नॉर्मली जो प्रोडक्ट ए है वो 100% अगर कैपेसिटी पे काम करे तो 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो सकता है और प्रोडक्ट बी का 8,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो सकता है। नाउ आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट फॉर प्रोडक्ट ए एट 50% एंड 75% लेवल ऑफ कैपेसिटी एंड फॉर प्रोडक्ट बी 75% एंड 100% लेवल ऑफ कैपेसिटी। हमें यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स दोनों के लिए दो दो बजट बनाने हैं, प्रोडक्ट ए के लिए भी 2 बजट और प्रोडक्ट बी के लिए भी 2 बजट।
ए के लिए 50% पे एंड 75% पे, वाइल फॉर बी के लिए 75% एंड 100%। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं, हमने यहाँ पे क्वेश्चन तो पूरा पढ़ लिया है, नाउ मूव टू द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर पांच कॉलम बना दो। एक कॉलम रहेगा आपका पर्टिकुलर्स का, दूसरा रहेगा प्रोडक्ट ए के दो कॉलम और प्रोडक्ट बी के दो कॉलम, क्योंकि हमें दो दो उसमें 50% 75% एंड 75% 100% हमें यहाँ पे लेना है कैपेसिटी का लेवल। सो दैट डियर फ्रेंड्स, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, सर यहाँ पे 50% पे मैंने लिया है 5000 और 75% पे लिया है मैंने 7500, वाइल फॉर प्रोडक्ट बी के लिए हमने लिया 6000 एंड 8000। सर अब ये आया कहाँ से, पहले ये बताओ। माय डियर फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे क्लियर कट बोला है कि नॉर्मल कैपेसिटी जो है 100% पे कितनी है, 10000 यूनिट्स की है और इसकी है 8000 यूनिट्स की। सो सिंपल है, 10000 इंटू 50%, 10000 इंटू 75%, 8000 इंटू 75% एंड 8000 इंटू 100%, तो आपको ये फिगर्स मिल जाएंगे। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात करें तो सर मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल हमें दिया हुआ है। सर हम तो यहाँ पे दो तरह के मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मटेरियल एक्स की पहले बात करते हैं। तो सर मटेरियल एक्स जो है वो कितने रुपीज़ का है, सर 3 रुपये का है। और प्रोडक्ट ए में कितना यूनिट यूज़ हो रहा है, 2 यूनिट यूज़ हो रहा है। तो फाइन, देखते हैं। तो सर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मटेरियल एक्स जो है वो 3 रुपये का है, 2 यूनिट यूज़ हो रहा है फॉर 5000 यूनिट्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, 3 × 2 × 5000 अगर मैं करूँ तो मुझे 30000 का अमाउंट मिल जाएगा, जो हमारा एक्स का मटेरियल यूज़ होता है प्रोडक्ट ए के अंदर। नाउ इसी तरह से हमें यहाँ पे एक्स जो मटेरियल है वो 75% कैपेसिटी पे यूटिलाइज करना है। तो सर 3 रुपये का भाव है, 2 यूनिट है, इंटू 7500 करना है। सिंपल, ये फॉर 5000 था, दिस इज़ फॉर 7500। तो सिंपली हमें खाली मल्टीप्लाई करना होगा 75, नथिंग एल्स, तो आपको मिल जाएगा 45000 का अमाउंट। नाउ वैसे ही सर प्रोडक्ट बी की अगर बात करें तो 3 रुपये का मटेरियल, लेकिन उसमें 4 यूनिट यूज़ हो रहे हैं। सर मटेरियल का भाव जो है वो 3 रुपये है, लेकिन बी में कितने यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं, 4 यूनिट, मतलब 12 रुपये इंटू 6000, तो आपको मिल जाएगा आंसर 72000। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन में दिखाया ही है कि वो किस तरह से फिगर्स आए हुए हैं, तो वी कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। नाउ वाई की अगर बात करें तो सर वाई का 1 रुपया था, 1 यूनिट यूज़ हो रहा है और 5000 यूनिट के लिए होगा टोटल 5000। इसमें भी सेम, 1 रुपी 1 यूनिट फॉर 7500 यूनिट्स। सर यहाँ पे प्रोडक्ट बी की अगर बात करें तो 1 रुपी भाव है, लेकिन उसमें 2 यूनिट यूज़ हो रहा है, तो 1 × 2 × 4 6000 यूनिट्स, मतलब आपका टोटल आएगा 12000। और वैसे ही हमारा प्रोडक्ट बी के लिए 100% कैपेसिटी के लिए ये आएगा 16000 रुपीज़। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट लेबर की अगर बात करें तो सर दो तरीके के डिपार्टमेंट है यहाँ पे, पी एंड क्यू, उन दोनों के हमने लेबर यहाँ पे यूज़ करे हैं। तो उनकी लेबर की अगर बात करें तो सर 10000 जो है ये कैसे आया होगा, सर 1 रुपये का भाव है, 2 घंटे हमने यूज़ किए फॉर 5000 यूनिट्स, तो 5000 × 2 आवर्स, मतलब टोटल आपने यूज़ करे 10000 आवर्स और 10000 का 1 का भाव है 1 रुपये, तो 10000 × 1, मतलब यहाँ पे 10000 रुपीज़ होगा हमारा टोटल फॉर डिपार्टमेंट क्यू, सॉरी डिपार्टमेंट पी। नाउ वैसे ही अगर हम बात करें तो एट 75% कैपेसिटी ये आ सकता है हमारा 15000 रुपये। सर वो कैसे आएगा, 1 रुपी का भाव है इंटू 2 ओवर्स है इंटू 4 7500, मतलब आएगा आपका 15000। सर वैसे ही अगर प्रोडक्ट बी की बात करें तो सर वहाँ पे 2 रुपये का भाव है, यस सर, 1 ओवर यूज़ हो रहा है इंटू 6000, यस, तो वैसे ही यहाँ पे 12000 मिल सकता है और वैसे ही यहाँ पे 16000 आएगा। आगे बढ़ते हैं, डिपार्टमेंट क्यू की बात करते हैं तो सर यहाँ पे 3 रुपये का भाव है, 1 घंटा यूज़ हो रहा है और 5000 हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स है। वैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 7500, यहाँ पे 3 रुपये का भाव है, 1 घंटा लेना है और 6000 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे होगा 8000 मल्टीप्लाई, यानी कि ऊपर जो हमने प्रोडक्शन लिया है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, बस इसी को हमें सिंपली मल्टीप्लाई करते जाना है, तो हमें हमारा आंसर मिलता जाएगा इजीली। आगे बढ़ते हैं सर, ओवरहेड्स में सर आपने ऐसा बोला था कि वहाँ पे तो खाली एक ही अमाउंट दिया है, ₹2.5 पर आवर, वो हमें खाली पर आवर लेना है, बाकी का सर एक फिक्स है और एक वेरिएबल भी है, उसमें तो 65.2% दिया है कुछ फिक्स और बाकी का आपको वेरिएबल दिया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो ओवरहेड्स है वो हमें आर्स के ऊपर लेने हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ओवरहेड का रेट दिया है वो 2.50 पर आवर दिया हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप कुछ नहीं करिए, 2.5 जो भी हो कैलकुलेटर के ऊपर टाइप करिए, पर आवर बोला है। तो प्रोडक्ट ए के लिए मैं कितने घंटे यूज़ कर रहा हूँ, सर 2 घंटे और एक ये 3, मतलब टोटल हो गए 3 घंटे, डिपार्टमेंट पी के 2 घंटे हैं और डिपार्टमेंट क्यू का 1 घंटा, मतलब 3 घंटे हो गए। तो 2.5 × 3 करो कितना हुआ, तो सर हमारा आंसर आता है 7.5 रुपीज़।
तो सर ये तो हमारा टोटल ओवरहेड्स हुआ ना। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये हम टोटल ओवरहेड्स पे कर रहे हैं 7.5 रुपीस, बट इसमें से 65.2 जो है वो आपका फिक्स है, मतलब सर उसको माइनस करना पड़ेगा। यस सर, तो निकालो कितना आएगा, 34.8%, तो आपका आएगा 2.61 जो मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, 2.5 × 3 × 34.8% इज इक्वल टू 2.61। ये आ गया हमारा पर यूनिट, तो 2.61 इंटू आप 5000 करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 13050। 2.61 इंटू आप करोगे ये 7500, तो भी आपको मिल जाएगा। और वैसे ही हम इसकी बात करें तो इसमें भी वही है सेम, यहाँ पे आप देखोगे तो ए के लिए हमने निकाल लिया, बी के लिए हमने निकाला हुआ है 2.5 × 2 × 34.8%, मतलब यहाँ पे 1.74 इंटू आपको लेना है 6000, और 1.74 इंटू आपको लेना है यहाँ पे 8000, तो आपको मिल जाएगा 1.74 इंटू 8000 करोगे तो आपको मिल जाएगा 13920 जो हमारा यहाँ पे आ चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, ये 1.74 बी के लिए यहाँ पे मैंने बाइफर्केट करके दिया है कि भाई ए के लिए आपको लेना है 2.61, बी के लिए आपको लेना है 1.74, तो यहाँ पे 1.74 को आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों के लिए, और यहाँ पे होगा ए, प्रोडक्ट ए की ये दो कॉलम है और ये प्रोडक्ट बी की दो कॉलम है, तो ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम ओवरहेड्स को भी बाइफर्केट करके लिख सकते हैं जो हमारा वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ फिक्स ओवरहेड्स की बात करें तो सर बाकी के तो फिक्स ही रहेंगे ना। यस, तो फिक्स के फिक्स रहने दो जितने भी है वो। ओके, तो यहाँ पे आ जाता है आपका 48900, यहाँ पे आएगा 48900, यहाँ पे आएगा 26080, यहाँ पे आएगा 26080। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो सर टोटल कॉस्ट मुझे कैसे मिलेगी, सबका टोटल कर दो तो आपको मिल जाती है टोटल कॉस्ट, उसमें से सेल्स हम माइनस कर देंगे, मतलब सेल्स का और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस निकालेंगे। तो सेल्स हमें सर कैसे मिलेगा, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे 5000 यूनिट थे, तो 5000 × 30, तो 30 रुपीज़ हमारा सेलिंग प्राइस जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, तो 5000 × 30 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 150, 7500 × 30 करेंगे तो मिल जाएगा 225000, 6000 × 30 करेंगे सॉरी 40 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 240, और यहाँ पे करेंगे 8000 × 40 तो 320, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट बी का जो भाव है वो आपको 40 रुपीज़ दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 रुपीज़ है, यहाँ पे 40 रुपीज़ है, सिंपली हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल सेल्स का अमाउंट हमारे पास आ चुका है। अब सिंपल सी बात है, सेल्स में से टोटल कॉस्ट को आप माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इजी मैनर में इस तरह से हमारा फ्लेक्सिबल बजट का जो ये सम है वो हो सकता है। खाली ट्रिक पॉइंट यहाँ पे एक ही था कि ओवरहेड्स का जो बाइफर्केशन करना है उसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था, लेकिन अभी आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस तरह के हम बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस के लिए कर चुके हैं। तो आई होप सो कि आपको ये अंडरस्टैंड रहा होगा। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।